नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू पाल आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट फर्स्ट पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हमारे चैनल पर इससे पहले मैथ के दो चैप्टर खत्म हो चुके हैं, प्रॉफिट लॉस और रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जाके हमारे प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, या फिर हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेक कर सकते हैं, वहां पे मैं लिंक डाल दूंगा। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट प्रतिशत पढ़ने वाले मैथ का तीसरा चैप्टर है जो कि प्रतिशत है। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता हौसलों से उड़ान होती है। आइए दोस्तों, आज हम इसी मोटिवेशन के साथ आज का हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं जो कि प्रतिशत। दोस्तों एक बात और कि जो भी चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे जिस दिन, उस दिन बहुत बेसिक एकदम बताएंगे। जो भी बच्चे बुक या फिर पढ़ाई छोड़ चुके हैं या फिर जो स्टार्ट कर रहे हैं उन लोग के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो अगर दोस्तों आप लोगों ने प्रतिशत पढ़ लिया हो, अगर पुराने स्टूडेंट हैं पढ़ लिए हो, तो आप ये बेसिक को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं या फिर इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों कोई सा भी चैप्टर हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे जिसका फर्स्ट दिन होगा, जैसे कि प्रतिशत आज पढ़ा रहे इसका फर्स्ट दिन है, तो इसका हम बेसिक पूरा बताएंगे, उसके बाद ही हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेंगे वीडियो आएगा वैसे आपको मॉडरेट लेवल क्वेश्चन और हाई लेवल का क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ठीक है दोस्तों, आज तो हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रतिशत। प्रतिशत दोस्तों मतलब होता है क्या कि 100, प्रतिशत का मतलब होता है 100। और ये जो प्रतिशत चैप्टर है आपको ये हर जगह यूज होगा, प्रॉफिट लॉस में भी होगा, रेशियो प्रोपोर्शनल में, और आपको दैनिक जीवन में भी यूज होने वाला है प्रॉफिट लॉस। तो इसलिए इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत इजी चैप्टर है। अगर पढ़ लेते हैं तो आपको इजी लगेगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो आपको थोड़ा सा कठिन समझ में आएगा, लेकिन आपको हम ऐसा पढ़ाएंगे जिससे आपको बहुत इजी वे में समझ में भी आ जाएगा और आप भूलेंगे नहीं, आप बहुत लंबे समय तक आप इसको याद भी रख सकेंगे। इसमें कोई सा भी फॉर्मूला नहीं होता है, हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे जो मैथ का सेशन आता है उसमें हम कोशिश करते हैं कि बहुत कम से कम जितना फॉर्मूला यूज किया जाए वो आप लोगों के लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि फॉर्मूला याद करने से क्या होता है दोस्तों कि आज याद रखना कल भूल जाते हैं। तो इसलिए आप समझ जाइए वीडियो, कोशिश मेरा यही रहता है कि वीडियो को हम क्वेश्चन को हम समझा सके, तो वही कोशिश मेरा आज भी रहेगा कि आपको वीडियो को समझा सके। तो प्रतिशत दोस्तों, प्रतिशत का मतलब होता है 100 को बोलते हैं हम लोग प्रतिशत। अगर देखिए ये तीन पॉइंट लिखा हुआ है कि प्रतिशत ज्ञात करना हो, तो प्रतिशत अगर कहीं भी ज्ञात करना हो, ठीक है, जैसे कि प्रतिशत ज्ञात करना बोलेगा 16%, मतलब कि 500 का बोलेगा 10%, 500 का 10% कितना होगा, 10% कितना होगा, तो प्रतिशत बोल दिया तो प्रतिशत को हम क्या बोलते हैं, गुणा कर देते हैं, ठीक है, 500 × 10, 10% को बट्टा में 100 ले दिए, प्रतिशत का मतलब क्या होता है आपको 100, तो बट्टा में 100 लिख दिए, ठीक है। अगर प्रतिशत दिया हो तो 1/100 कर दें, प्रतिशत दिया हो, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ था, 10% दिया हुआ है ना, तो बट्टा में 100 कर दें। अगर प्रतिशत निकालना हो, जैसे लिख देगा, जैसे कि क्वेश्चन आगे आएगा, यहां पे क्वेश्चन दिया हुआ है आपको बताते हैं उसमें, अगर प्रतिशत दिया, अगर मान लो प्रतिशत पूछ दिया, ठीक ना, तो अगर प्रतिशत पूछ दिया तो गुना 100 करते हैं, प्रतिशत पूछ दिया तो गुना 100 करते हैं, अगर प्रतिशत दिया हो तो बटा 100 करते हैं, जैसे यहां पे दिया हुआ था तो बटा 100 कर दिए। अगर का से रहेगा तो बट्टा में 100 लिख देंगे। आपको बताया था का मतलब होता है गुना, से मतलब होता है गुना, का मतलब आपको पता है ना, का मतलब होता भी है गुना, से का मतलब भी होता है गुना, तो वही लिखा हुआ है यहां पे जो पहले इससे वीडियो में बता चुके हैं, फिर से आपको रिवाइज करते हैं। का रहेगा, से रहेगा, के रहेगा, तो उसको हम लोग गुना में लिखते हैं, ठीक है, तो उसको बट्टा में कर देंगे, इसका मतलब गुना होता है, तो इसका मतलब है कि बट्टा में कर देंगे, जैसे रहेगा तो प्रतिशत में, तो उसको बट्टा में 100 लिख देंगे, ठीक है। आइए, यह हो गया प्रतिशत का कुछ बेसिक नॉलेज, प्रतिशत मतलब होता क्या है, कैसे निकालते हैं, आइए इसको देखते हैं हम लोग कि कैसे निकालते हैं प्रतिशत को। तो यहां पे दोस्तों दिया हुआ है कि पहला क्वेश्चन देखिएगा इसमें प्रतिशत में कि 650 का कितना प्रतिशत है। आपको हम अभी क्या बताएं, का से क्या बोलते, मतलब क्या होता है गुना, ठीक है, तो इसको देखिए सॉल्व कैसे करते हैं। अगर आपको आता होगा तो आप इसको इस वीडियो को रिवीजन के तौर पे भी ले सकते हैं कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। आप क्वेश्चन देते हैं, आप खुद से बनाइए, एक बार आंसर मैच कर लीजिए, अगर आपका बन गया तो आपका सही है, तो आपका इस तरह क्या होगा कि रिवीजन भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन 600 का कितना प्रतिशत है, तो देखिए इसको लिखेंगे कैसे, तो सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पूछ रहा है ना कि टोटल अमाउंट आपके पास 600 है, तो 600 है टोटल अमाउंट, तो आपको 150 से कितना प्रतिशत होगा, 150 कितना प्रतिशत होगा 600 का। आप इसको दो तरह से बना सकते हैं, ठीक है,
देखिए पहला तरह से आप इसको इसको 100 मान के बना सकते हैं, और दूसरा तरीका, चलिए हम दो तरीका आपको बता देते हैं, ठीक है। ये पहला तरीका है, देखिए पहला 150 जिसको बोलेगा, जितना का बोलेगा, ठीक ना, उसको हम लिखेंगे ऊपर और टोटल को हम लिखेंगे नीचे। और का मतलब आपको क्या बताते हैं, गुना। गुना यहाँ पे प्रतिशत पूछ रहा है, प्रतिशत ज्ञात करने बोला, तो गुना 100 होता है, तो गुना 100। देखिए यहाँ बोल रहे ना प्रतिशत ज्ञात करना हो तो गुना 100 कर देंगे, तो यहाँ क्या पूछ रहा है 150 600 का कितना प्रतिशत है, मतलब कि हमको प्रतिशत ज्ञात करना है तो गुना 100 कर देंगे, ठीक है, गुना 100 कर देंगे। तो काटेंगे 20 से 20 गया, 6 से काटेंगे 6 × 6 = 12 × 6 = 30, इसका आ गया आपको 25% आंसर, ठीक है। ये तो आ गया पहला टाइप, ठीक है। अब दूसरा तरह से बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, देखिए किसी भी मैथ को बनाने का 2-3 तरीका होता है, जितना आप जानेंगे उतना अच्छा रहेगा। दो तरीका से हम बताते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा आप एक तरीका भी अपना सकते हैं, ठीक है। देखिए बोला है 600 का, तो 600 को हम लोग 100% ले लेते हैं, ठीक है, 100% ले लेते हैं। और 150 कितना होगा, कितना प्रतिशत होगा इसका, तो हम लोग क्या बताए थे, इस तरह एक्स यहाँ पर, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो कितना हो जाए यहाँ पे 100 × 150 / 600, देखिए इसी फॉर्म में आ गया, इसी फॉर्म में आ गया, ये भी 600 काट देंगे इसको, आप 25% आ जाएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके बना सकते हैं इसको, या फिर इस तरह भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा वो बना सकते हैं। तो इस तरह बनाइए तो आपको इजी होगा, क्योंकि आपको याद रखने में अगर भूल जाते हैं तो आपको ये रही, क्योंकि ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रॉफिट लॉस में पढ़ चुके हैं आप एक बार, इसी तरह का ट्रिक कि दिया रहता था उसमें क्वेश्चन इस तरह का पढ़ा चुके हैं आप लोगों को, तो ये वाला आपको याद करना ज्यादा अच्छा होगा, मतलब समझने में। ऐसा दोनों इजी है, एक ही फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, दोनों तरह से बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे बना सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि 300 का 16% पूछ रहा है, ठीक ना, 300 का 16% पूछ रहा है। तो यहां पे क्या बोल रहा है, यहां पे प्रतिशत दिया हुआ है, ठीक ना, प्रतिशत दिया हुआ है, मतलब कि बट्टा, तो बोल रहा है कि 300 का 16% कितना होगा, ठीक ना, कितना होगा ये लिख देते हैं यहां पे, कितना होगा, छूट गया थोड़ा सा क्वेश्चन, कि कितना होगा। तो 300 का मतलब गुना, का मतलब वो क्या बताएं, गुना, और 16% दिया हुआ है, ठीक है। 16 अगर 10% दिया रहता है तो इसको कैसे लिखते हैं, हम कैसे लिखते हैं, 10/100 लिख देते हैं, और कटता तो काट देते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ना। प्रतिशत दिया, प्रतिशत का मतलब होता है कि 100/100, अगर प्रतिशत दिया हुआ है, हम देखिए ना यहाँ पे दूसरा पॉइंट इसे देखिए, प्रतिशत अगर दिया रहेगा तो बट्टा में 100, तो प्रतिशत यहाँ पे दिया हुआ तो 16 ऊपर में दिया हुआ, तो 16 ऊपर लिख देंगे, आप बट्टा में लिख देंगे 100, ठीक है। 20 से 20 16 को 3 से गुना कर दिए, 16 × 16 = 32, 16 × 3 = 48, तो 48 ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। इसमें पूछ रहा था, इसमें और इसमें थोड़ा सा फर्क है, इसमें प्रतिशत दिया हुआ था, पूछ रहा था कि 16% कितना होगा, प्रतिशत कितना होगा पूछ रहा था, तो 48 होगा, और इसमें प्रतिशत निकालना था आपको कि कितना प्रतिशत होगा, इसमें प्रतिशत निकालना था और इसमें प्रतिशत दिया हुआ था, फर्क ये था। अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 150 मीटर 3 किलोमीटर का कितना प्रतिशत होगा, इसमें भी अब क्या पूछ रहा है, प्रतिशत पूछ रहा है, कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। अब आपको एक चीज याद रखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, या फिर 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, ये सब बेसिक चीज है, ये आपको याद होना चाहिए। तो दोस्तों 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ठीक है, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, मीटर होता है, ठीक है। तो यहां पे पूछ, ये देखिए क्यों ये आपको याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि देखिए यहां पे लिखा हुआ है मीटर, यहां पे लिखा हुआ है मीटर, और इधर लिखा हुआ है किलोमीटर, तो आपको किसी भी चीज को तोड़ने के लिए एक फॉर्म में लाना जरूरी होता है। तो यहां पे आपको लिखा हुआ है 150 मीटर, यहाँ पे लिखा हुआ आपका 3 किलोमीटर, या तो आप इसको किलोमीटर में चेंज कर दीजिए या तो इसको मीटर में चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो इजी क्या होगा आपको, क्योंकि किलोमीटर को आपको मीटर में चेंज करना इजी होगा, तो आप मीटर पहले उसको चेंज कर लिए, 150 ऊपर में लिख देंगे, 150 3 है तो 3 × 1000 कर दीजिएगा, तो मीटर में चेंज हो जाएगा,
3 × 1000 कर दीजिएगा तो हो जाएगा मीटर में, क्योंकि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, तो 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो 3 को अगर 1000 से गुणा कर दे तो 3 आ जाएगा आपका मीटर में टोटल, तो मीटर में आ जाएगा। तो पूछ रहा कितना प्रतिशत होगा, प्रतिशत होगा मतलब पूछ रहा प्रतिशत ज्ञान के बाद गुना क्या बोले थे आपको, गुना बोले थे 100 करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये इस तरह का आ जाएगा 150/3000 × 100, ठीक है। चेंज किए इसको मीटर में, किलोमीटर में था इसको मीटर में चेंज कर दिए, इस फॉर्म में आ गया। अब इसको सॉल्व कर देंगे, इसको कुछ नहीं करना, इसको सॉल्व कर देते हैं। 2 जीरो से 2 जीरो गया, 2 जीरो से 2 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, और 3 × 5 = 15, तो मतलब कि 5% आया, मतलब कि 3 किलोमीटर का 150 मीटर 5% होता है, ठीक है। इसमें भी प्रतिशत निकालने बोला था, इसमें भी प्रतिशत निकालने बोला था, और इसमें बोला था कि प्रतिशत दिया हुआ था तो आपको अंक निकालना था। तो तीन तरह का क्वेश्चन इस तरह आ गया, इस तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। अब आइए दोस्तों देखते हैं, अब कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, और अगला टाइप हम बताते हैं, ठीक है। ये था आपका टाइप वन, ये वन था, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको देते हैं बनाने के लिए, उसके बाद हम टाइप टू बताते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं, दोस्तों ये टाइप टू है ये, और ये जो पहले आपको बताया टाइप वन, उसका वो तीन क्वेश्चन है। ये 130 का 11% क्या होगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आप लोग के लिए, ये होमवर्क है आप लोग का, आप लोग के लिए बनाना है। और यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 20 सेंटीमीटर 5 मीटर का कितना प्रतिशत है, ठीक है, और 80 का 80% कितना है, ठीक है। तीन क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। अब आइए अब आ जाते हैं हम लोग टाइप टू में। देखिए क्वेश्चन क्या है कि थोड़ा सा मिला जुला प्रतिशत भी पूछ रहा है और प्लस माइनस, मतलब कि सिंप्लीफिकेशन जैसा हो गया है। प्रतिशत का ही क्वेश्चन है लेकिन ये सिंप्लीफिकेशन वाला है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 80 का 40%, ठीक है। अब क्वेश्चन को तोड़ के पढ़िए कि यहाँ पहले एक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद इसमें एक ही क्वेश्चन है लेकिन चार बार बनाना है इसको पहले वाले के हिसाब से। क्या लिखा, 80 का 40% एक बार निकालेंगे, फिर निकालेंगे 30 का 70%, उसमें माइनस कर देंगे प्लस, फिर ऐसे करके आपको चार बार बनाना है। तो देखिए कैसे बनाते हैं, इसको बनाना उसी तरह है लेकिन आपको इसमें अंत में क्या करना है कि जैसा साइन दिया हुआ है, जैसे आप माइनस कर दिया हुआ है, प्लस कर दिया हुआ है, माइनस कर दिया हुआ है, तो ये आपको कैलकुलेशन लास्ट में करना होगा। तो देखिए 80 का आप कैसे बनाए, 80 का मतलब हो गया गुना 40% दिया हुआ, प्रतिशत दिया हुआ मतलब कि बट्टा में 100 ऊपर में 40 दिया, इसलिए 40 लिखेंगे, ठीक है। इसको आप ऐसे कर लीजिए, सेपरेट कर लीजिए, माइनस 30 का मतलब हो गया गुना 70/100, क्योंकि प्रतिशत दिया हुआ है इसलिए बट्टा में 100 लिख देंगे, फिर यहाँ पे प्लस दिया हुआ है 40 का मतलब गुना 60% दिया हुआ, तो बट्टा 100। अब इसको सॉल्व करना आप लोगों को, नहीं और आगे भी है, 30 का 10%, ठीक है, ये दिया हुआ आपको, एक एक करके आपको पहले लिख लिए, ठीक है। कोशिश कीजिए कि जो भी क्वेश्चन में दिया रहे उसको पहले आप लोग लिखिए, ठीक है। क्वेश्चन में जो बोल रहा है उसको अपनी भाषा में एक बार लिख लीजिए एक लाइन, थोड़ा सा टाइम लगेगा स्टार्टिंग में लेकिन जब प्रैक्टिस हो जाएगा तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर आप अभी नए नए हैं तो इसको एक बार कोशिश कीजिए, जो क्वेश्चन में दिया हुआ उसको हम अपने सीक्वेंस अपने भाषा में एक बार लिखें, एक बार जैसे लिख लिए इसको एक बार। अब इसको सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, दूसरा इससे गया, अब कौन बच गया, 8 में 8 चौके 32 माइनस से तो माइनस एक लगा दिए, यहाँ पे 1 जीरो से 1 जीरो गया, 1 जीरो से 1 जीरो गया, 17 7 14 17 21, 21 लिख दिए यहाँ पे, जो साइन यहाँ पे है मान लीजिए, जो भी साइन रहेगा वो साइन को हम लिखेंगे, उसको भूलेंगे नहीं। 200 हो गया, तीसरा में 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, बचा गया 6 और 4, 6 चौके 24, माइनस साइन क्या लगा हुआ है यहाँ पे, माइनस का साइन लगा हुआ है। अब ये देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया, बचा यहाँ पे 3, इसको सॉल्व कर दिया, इसको अब सॉल्व कर दिया, जो पहले प्लस में, पहले प्लस वाला प्लस में करेंगे तो 32 यहाँ पे प्लस में है, एक प्लस में 32 है और यहाँ पे प्लस में क्या है 24, तो 32 और 24 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 4 × 2 = 6, 3 × 2 = 5, माइनस है तो सेम साइन रहता है तो प्लस होता है और डिफरेंट साइन रहता है तो माइनस होता है, ये पता है ना आप लोगों को, अगर प्लस माइनस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस प्लस रहेगा फिर भी माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस रहेगा तो
प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, मतलब कि सेम चिन्ह रहेगा तो प्लस होगा और डिफरेंट चिन्ह अलग अलग साइन है तो माइनस होता है। ये तो आपको याद होगा, ये सब बहुत बेसिक चीज है, ये तो आप 4-5 में पढ़े होंगे, नहीं याद है एक बार हम लिख दिए हैं, देख लीजिएगा ठीक है। यहाँ पे जोड़ दिए 32 और 24 जोड़ दिए और माइनस यहाँ पे आएगा माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है तो प्लस लगाएंगे, नहीं नहीं माइनस माइनस प्लस होता है तो जो साइन दिया था साइन लिखते हैं और प्लस कर देते 24 ठीक है। 21 और 3 को जोड़ेंगे लेकिन साइन जो यहाँ पे होता है वो माइनस वाला ही होता है, माइनस वाला ही होता है तो यहाँ पे माइनस कर दिए। अब इसको माइनस कर देंगे, अब 56 में से 24 को माइनस कर देंगे कितना बचेगा 2, 6 में से 4 गया 2, 5 में 2 गया 3, आपका आंसर क्या आ गया 32 ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन जैसे दिया रहेगा उसको आप एक बार ऐसे लिखिए, अपने अपने हिसाब से लिखिए, फिर उसको एक एक करके सॉल्व कर दिए और जो साइन दिया रहेगा उसको साइन को जस का तस लिख दिए, फिर अंतिम में जाके उसको सिंप्लीफाई कर दिए ठीक है, समझ गए होंगे। आंसर आ गया आपका 32 और ये क्वेश्चन है 160 का 40% प्लस क्वेश्चन मार्क दिया हुआ यहाँ पे का 100 का 20% बराबर 320 का 30% है, मतलब दोनों को बराबर करना ठीक है, तो इसका मतलब आपको वैल्यू निकालना है यहाँ पे, इसी तरह से बनेगा। एक ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिया हुआ है इसलिए यहाँ पे आपको ये यहाँ पे जो संख्या है उसको आपको निकालना, मतलब x मान ले सकते हैं, यहाँ पे x मान लीजिए, यहाँ पे x मान लीजिए, इसका आपको वैल्यू पता करना है ठीक है। अब आइए देखते हैं हम लोग, इसी में आपको देते हैं कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, ये पहला क्वेश्चन था इसका एक आप लोग बनाइएगा इसको, अब इसी में देखते हैं दूसरा क्वेश्चन ठीक है दोस्तों, आइए। ये दोस्तों उसी का है, टाइप टू का ही क्वेश्चन नंबर कुछ और है क्वेश्चन, देखिए क्या क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में कि किसी संख्या का 16% 48 हो तो वह संख्या ज्ञात करें, मतलब कि अब जो संख्या थी वो नहीं दिया हुआ है कि कितना संख्या वो नहीं दिया हुआ है, इसका बता दिया है कि वो जो भी संख्या हुआ 16% है जो उसका 48 है तो वो संख्या को ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करेंगे देखिए इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब इसको भी दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं, देखिए कैसे कि जो क्वेश्चन दिया हुआ पहले उसको लिख लीजिए 16% आपका दिया हुआ क्या दिया हुआ 48 ठीक है, 16% आपको क्या दिया हुआ 48, तो 1% निकाल लेंगे कैसे हो जाएगा, 1% निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगा 48/16 तो कितना हो जाएगा 16 3 आ गया ठीक है, 3 आ गया। तो अब इसका क्या मतलब, वो संख्या पूछ रहा था मतलब कि 100% पूछ रहा था, तो जितना भी आया उसको 100 से गुणा कर देंगे तो 300 आ जाएगा ठीक है। ये हो गया आपका पहला तरीका, ये आपका हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों हमने यहाँ बता देते ठीक है, दूसरा तरीका ये यहाँ पे आपको क्या बताना है कि पहले जो ऊपर में लिखा हुआ 16% दिया हुआ है, मतलब कि 16% मतलब 16% 16% तो लिखते कैसे हैं, 16% ऐसे ही लिखते हैं ठीक ना, कोई भी दिया जैसे 10% कैसे लिखते थे 10/100 लिखते थे ना, उसी तरह से इसको लिखे हैं कि 16% दिया हो तो 16% ऐसे हो गया और इसका वैल्यू दिया हो, इसका वैल्यू दिया हो तो मतलब बराबर को उधर जाएगा, किसी चीज का वैल्यू दिया रहता है तो उसका बराबर को उधर का वैल्यू दिया रहता है ठीक है, मतलब 16% का वैल्यू दे दिया है, मतलब कि यहाँ पे जो ये 16% का वैल्यू दे दिया 48, वो संख्या नहीं पता, मतलब संख्या नहीं पता तो एक्स मान सकते हैं ठीक है, वो संख्या को नहीं पता एक्स मान लिए, अब ये संख्या को पता करना मतलब कि एस एक्स का वैल्यू हमको पता करना है, तो 16 बराबर उधर ऊपर ऊपर कर सकता है, नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 मान सकते हैं ठीक है, तो 16 का 16 16 32 16 3 48, अब बराबर उधर है तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता था तो एक्स का वैल्यू कर देंगे तो 100 को उधर भेज दो, 100 अगर भागा तो चले गुणा में हो जाएगा तो 3 × 100 आ गया ना 300 ठीक है, इस तरह भी बना सकते हैं, इस तरह भी बना सकते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा बना लीजिएगा, इसी तरह ज्यादा इजी रहेगा आपको लगता है ठीक है। तो ये एक तरह का था, आप इसको मिटा देते हैं, आपको लिखना तो लिख लिया स्क्रीनशॉट ले लीजिए ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं। अब आइए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, देखो देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन देखते हैं सॉल्व कैसे होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है किसी संख्या का 12% 12% 72 है तो उसी संख्या का 44%, देखिए इसमें क्या, इसमें और इसमें क्या अंतर है, इसमें आपको सिर्फ वो संख्या निकालना था ठीक है, इसमें दिया था 16% 48 है, 16% 48 है तो वो संख्या याद करें ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे संख्या भी नहीं दिया हुआ है, वो संख्या भी आपको निकालना है और उसका जो संख्या निकलेगा उसका जो संख्या उसका तो उस संख्या का मतलब जो निकलेगा उस संख्या का आपको 44% निकालना है ठीक है। इसमें दो काम करना है, तो पहले पहला प्रोसेस काम कर लेते हैं, पहला निकाल लेते हैं ठीक है, पहला क्या बोलते हैं वो संख्या नहीं पता तो संख्या को मानते हैं हम लोग x ठीक है, और दूसरा संख्या क्या मानते हैं 12% दिया होता है हमें 12
प्रतिशत में हो गया 100, ठीक है, बराबर में हो गया आपका 72। ये फॉर्मेट आ गया, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको उस तरह लिख दीजिए, ठीक है, हो गया 72। तो 12 25 60 12 6 72, 12 6 72 कट गया, और वो संख्या क्या आ गया आपका, x का वैल्यू क्या आ गया आपका, 600 हो गया, 600 हो गया वाला वैल्यू इसका, 600 हो गया, मतलब ये जो कुल संख्या है वो 600 निकला है, ठीक है, कुल जो संख्या 600 निकला। अब इसका बोल रहा है कि 44% निकालने के लिए, मतलब कि 600 का 44% निकालना है, तो 600 का 44% निकालेंगे, कितना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो गया, अब 44 को 6 से गुणा करना, 6 6 24 के 4 हाथ में 2 का 24 2 26, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इसमें आपको सिर्फ वो संख्या निकालना था, इसमें उस संख्या को निकाल के उसका 44% निकालना था। दोस्तों ये था टाइप 2 का ये क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन आप बना लीजिए, एक क्वेश्चन आपको देते हैं इसी में से बनाने के लिए, सिर्फ इसको वैल्यू चेंज कर दे रहे हैं। क्वेश्चन है आपका एक क्या बना लिया, 17% 68 है तो क्वेश्चन आपने बस चेंज कर दिया, 17% 68 है तो वो संख्या क्या, वो संख्या आपका होगा 400 संख्या होगा, ठीक है, 400 ये आपका आंसर दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का आंसर 400 है, बना लीजिएगा 400 आ गया, तो आप समझ गए हैं आप, अगर आपका आंसर सही है। अब आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर टाइप 3, ठीक है, अब आइए दोस्तों ये है टाइप 3, तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 है, दोनों बता दिए टाइप 3 ये क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हुए, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, ठीक है, यहाँ पे बता दिया है आपको कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हो गया है, 75% विद्यार्थी क्या हो गया, पास हो गया है, तो फेल कितना हुआ है, हम लोग हमेशा क्या मानते हैं, 100 मानते हैं, तो बोल दिया कि 75% फेल हो गया, तो अब पास हो गया तो फेल कितना होगा, 25% होगा, स्वाभाविक सी बात है 25% फेल होगा, प्रतिशत में फेल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे और क्या लिखा गया क्वेश्चन, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी थे, मतलब कि आपको फेल का संख्या दे दिया, ठीक ना, देखिए सॉल्व इसको कैसे करते हैं, देखिएगा क्वेश्चन एक बार समझ लिए कि पास का प्रतिशत दिया हुआ है और फेल का संख्या दिया हुआ है, ठीक है, तो हम प्रतिशत पहले निकाल लेते हैं, देखिए टोटल कितना होता है 100%, ठीक है, पास कितना हुआ आपका, पास कितना हुआ है आपका, देखिए आपका पास आपका हुआ है 75%, ठीक है, पास आपका हुआ है 75%, फेल कितना हुआ आपका 25%, स्वाभाविक सी बात है अगर 75% अगर फेल पास हो गया तो फेल कितना हुआ 25%, इस 25% का वैल्यू दिया हुआ है आपका 150, बोल रहा है ना, यदि फेल वाले छात्र 150 है, फेल वाले छात्र 150 है तो मतलब फेल क्या है, 25% का वैल्यू दे दिया यहाँ पे, ठीक है 150, तो पूछ रहा है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, मतलब कि आपको x का यहाँ पे पूछ रहा है, मतलब ये कुल मतलब क्या होता है 100, ये जो 100 होता है ये कुल होता है, ठीक है, तो आप इसको निकाल सकते हैं, इसको भी ऐसा करके निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके, देखिए कैसे करते हैं इसको, 150 × 100 / 25, 25 × 6 = 600 आंसर आ गया, टोटल विद्यार्थी आपका आ गया 600। देखिए दोस्तों एक बार और समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि किसी कक्षा में 75% विद्यार्थी पास हो गए हैं, ठीक है, 75% विद्यार्थी क्या हो गया, पास हो गए हैं, ठीक है, तो टोटल कितना होता है 100, हम मानते हैं 100 में से 75% किसी भी चीज का टोटल क्या होता है 100% होता है किसी भी चीज का, ठीक है, उसका उसमें किसी भी चीज मतलब इसमें बोल रहे कि आप मान लीजिए कि 5000, तो 5000 उसको प्रतिशत में लेंगे तो हम 5000 को 100% लेंगे, ठीक है, तो यहां पे बोल दिया कि 75% फेल हो गया, 75% फेल हो गया, पास हो गया तो फेल छात्रों की संख्या दिया हुआ, तो फेल कितना होगा, 75% जब पास हो गया है तो फेल 25 होगा, ठीक है, 25, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, यदि फेल वाले छात्र 150 हैं, फेल वाले छात्र 150 हैं तो कक्षा में कुल विद्यार्थी कितने होंगे, कुल विद्यार्थी क्या बोलते हैं इसको, मानते हैं कुल विद्यार्थी कितने होंगे, x मान लिए, इसको सॉल्व कर दिए आपका टोटल विद्यार्थी निकल गया 600, ठीक है। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% शिक्षा पर, 20% शिक्षा पर, 40% भोजन पर तथा 10% किराया पर खर्च करता है, यदि उसकी बचत 36
उसकी बचत 3600, तो कुल भाग ज्ञात करें, कुल भाग ज्ञात करें। ठीक है, इसमें दे दिया है तीन सेक्शन में वो खर्च करता है, जितना भी कमाता है, मतलब कि 100% कमाता होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि उसका कुल आय उसका 100% होगा, 100% होगा। ठीक है, अब वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है, मतलब एडुकेशन पे खर्च कर रहा, शिक्षा पे खर्च कर रहा, शिक्षा पे खर्च किया कितना 20%। ठीक है, फिर बोल रहा है कि 40% वो भोजन पे खर्च कर देता, तो प्लस करेंगे यहां पे भोजन पे कितना खर्च करता हूं 40%। फिर बोलता है कि 10% किराए पर खर्च करता, मतलब आने जाने में किराया पर खर्च करता हो 10%। ठीक है, उसका टोटल इनकम कितना है 100, और खर्च कितना कर दे रहा है, देखिए ये आपका खर्च हो गया, ठीक ना, ये आपका खर्च हो गया। खर्च कितना कर रहा है टोटल देखिए तो 20, 40, 60, 10, 70, जितना भी खर्च करेगा सबको जोड़ दिएगा एक बार में। ठीक है, तो आपका खर्च निकल जाएगा, खर्च कितना हो गया आपका यहाँ पे 70%, वो क्या करता है खर्च कर देता। तो बचत कितना कर रहा है 30। ठीक है, टोटल आय उसका 100% है, खर्च 70 कर देता, बचत कितना हो रहा है 30% हो रहा है, बचत हो रहा है उसका 30%। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यदि उसका बचत दिया हुआ 3600 दिया हुआ, मतलब इसको अब यहाँ पे लिखें, इसको यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, 30% बचत, ठीक है, इसका वैल्यू दे दिया आपको 3600, इसे उठा के यहाँ पे लिखें, ठीक है, भूलिएगा नहीं, इसको उठा के यहाँ पे लिखें, तो 30% बचत कर रहा, 30% का वैल्यू दिया हुआ ये वाला, 30% का वैल्यू दिया हुआ ये वाला, ठीक है, 3600 दिया हुआ बचत। तो फिर क्या पूछ रहा है, तो कुल भाग ज्ञात करें, मतलब पूछ रहा है टोटल, मतलब इसका टोटल आय कितना था। ठीक है, तो टोटल आय किसको माने हम 100%, तो इसको निकाल दीजिए, एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके निकाल दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए कितना होगा, देखिए यहां पर करते हैं, ठीक है, 3600 × 100% बटा 30%, काटेंगे कितना आएगा 120, आ गया आपका टोटल, आपका आ जाएगा यहां पे 12000। ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इतना आंसर आ गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए कि जितना भी खर्च कर रहा है, आपको याद रखना है कि जितना भी खर्च करेगा 5%, 10%, 15%, 10 बार खर्च कर दे, ठीक ना, टोटल, लेकिन देखिएगा जितना भी उसका आय होगा हमेशा खर्च उसका कम होगा। जितना भी हम कमाते हैं, मान लीजिए हम अगर 100 रुपए कमाते हैं तो खर्च कितना कर देंगे, खर्च 110 रुपए कर देंगे, कभी नहीं करेंगे, खर्च हमेशा आय से कम होगा। ठीक है, तो ये आप उसको ध्यान रखिएगा कि खर्च हमेशा, अपने ध्यान में रखिए कि खर्च हमेशा क्या होता है, आय से कम होता है, उसको आप कहीं पे लिख लिए, तो याद करने वाला बात है, छोटा सा बात है, याद भी कर सकते हैं, तो खर्च हमेशा कम होगा। तो जितना भी खर्च करेगा 5 बार प्रतिशत में खर्च करेगा, 10 बार खर्च करेगा, सबको आप जोड़ दीजिएगा और उसको लिख दीजिएगा यहाँ पे खर्च, तो इसको तीनों को जोड़ दीजिए, यहाँ पे लिख दिए खर्च, खर्च अगर हम 70% कर सकते हैं, कर दिए हैं, तो मेरा बचे कितना 30 रुपया, 100 रुपया अगर हम कमाते हैं, 70 रुपया हम खर्चा कर लेते हैं, कितना रुपया बचता है 30 रुपया बचता है, तो आपका आ गया 30 रुपया, मतलब कि 30% बचत है, तो 30% बचत है, यहाँ पे आपका लिखा हुआ 30% बचत है, और 30% का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ, लिख दिया ना, यदि उसका बचत इतना रुपया इतना है, मतलब कि उसका बचत 3600 रुपया है, तो मतलब बचत है, तो मतलब जो इसका प्रतिशत में दिया हुआ उसका वैल्यू दिया हुआ है, तो 30% बचत है उसका, 30% का वैल्यू हो गया आपका 3600, और पूछ रहा है कि कुल आया बताइए, तो कुल आपका 100% है, तो 100% निकालिए, आ गया आपका 12000। ठीक है दोस्तों, ये रहा एक क्वेश्चन, ये रहा टाइप 3 का 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और आपको बताते हैं कि इसी में एक टाइप का और क्वेश्चन है, आइए दोस्तों हम लोग देखते हैं। दोस्तों ये टाइप 3 का एक क्वेश्चन नंबर 3 है, टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है यहां पे, कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, मतलब किसी परीक्षा में पास करने के लिए 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, मतलब जरूरी है, यदि एक विद्यार्थी को 400 अंक मिले तथा वह 80 अंक से फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है 2018 के ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है,
ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, 2018 का डिटो क्वेश्चन ये आया हुआ था, ग्रुप डी का क्वेश्चन है ये, 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ था। तो क्या बोल रहा है कि 40% किसी परीक्षा में 40% लाना अनिवार्य है, ठीक है, तो वह 400 अंक लाता है और 80 अंक से फेल हो जाता है, ठीक है। तो किसी कोई भी परीक्षा क्या होता है, 100% का होता है, प्रतिशत तो 100% का होता है ना, चाहे वो पेपर 50 अंक का हो, चाहे 70 अंक का हो, चाहे 60 अंक का हो, जो भी रहेगा 60 या 70 जो भी अंक रहेगा उसको हम लोग 100% मानते हैं, ठीक है। अब बोल रहा है कि पास होने के लिए, मतलब कि पास होने के लिए उसको 40% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है, 40% अंक लाना अनिवार्य है। लेकिन वह क्या बोलता है कि 400 अंक लेके आया लेकिन फेल हो गया, लेकिन वह 80 अंकों से फेल हो गया, ठीक है, 80 अंकों से फेल हो गया। मान लीजिए कि आपको 40% अंक लाना था और अब 400 में फिर भी हम फेल कर गए हैं, तो फेल गए मतलब कि 80 अंक से फेल कर गया। अगर हम 80 अंक ज्यादा ले आते तो हम पास हो जाते, तो 80 अंक ज्यादा ले आते तो मेरा 40% आ जाता, मतलब कि इसमें कह रहा है कि 400 अंक लड़का लेके आया है लेकिन फिर भी वो फेल हो गया, 80 अंक से फेल हो गया। तो मतलब कि अगर 80 अंक अगर वो और ला देता तो मतलब कि 40% नंबर ला देता, ठीक है, तो 40% नंबर ला देता तो हम लोग जो 80 दिया हुआ उसको यहाँ पे प्लस कर लेंगे, हमारे यहाँ पे हो जाएगा, मतलब कि अगर वो 480 नंबर लाता तो उसका 40% आ जाता, ठीक है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि बोल रहा परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए मतलब कि पास होने के लिए 40% मतलब कि 40% अंक आपको लाना अनिवार्य था, 40% अंक लाना अनिवार्य था। यदि एक विद्यार्थी 400 अंक मिला, एक विद्यार्थी को, किसी एक विद्यार्थी को 400 अंक मिला, ठीक है, 400 अंक उसको मिला तथा 80 अंक से फेल हो गया, मतलब कि 40% से कम नंबर लाया हो, ठीक है, कम नंबर लाया 40% तभी ना, सिर्फ 40% से कम नंबर लाया तभी ना फेल हो गया 80 नंबर से। लेकिन बोल रहा है उसको 40% नंबर लाना था तो आपको 40% को पूरा करना पड़ेगा, तो कितना आपको जितना से फेल हुआ है उसको यहाँ पे जोड़ देंगे, तो प्लस कर देंगे हम लोग 80 कर देंगे तो 480, मतलब कि 480 अब 40% के बराबर हो गया, मतलब कि 480 अंक लाता तो 40% उसका नंबर हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फेल हो गया तो परीक्षा का पूर्णांक ज्ञात करें, पूर्णांक मतलब पूरा अंक ज्ञात करें, ठीक है। परीक्षा का पूरा अंक क्या होता है, 100% का को यहाँ पे ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, ठीक है। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, इस अंक को नहीं लेंगे, अब जो नया वाला आया है उसको लेंगे, 480 को लेंगे, ठीक है, 480 गुने 100/40, ठीक है, देख रहे हैं, इसको 400 को नहीं लिए हैं, 400 अंक लाता तो फेल हो जाता, लेकिन हमको का लड़का को पास कराना है, तो पास कराने के लिए हमको 40 नंबर उसको और जुड़वाना होगा, तब वो 40% नंबर लाएगा। लड़का कर रहा है उसको 40% मतलब 80 नंबर उसको किसी तरह से उसको दिलवाना है, किसी तरह करके सेटिंग करा के, गेटिंग करा के, ठीक है, गेटिंग करा के है दोस्तों। तो फिर यहाँ पे 40% आ गया, उसको सॉल्व कर देंगे, मतलब एक्स का वैल्यू निकालना है, एक्स का वैल्यू एक जीरो से एक जीरो कट गया, चार से काट देंगे एक से और दो से, ठीक है, गुना कर देंगे कितना आ जाएगा 1200, मतलब कि कुल अंक कितना था, कुल अंक था आपका 1200, ठीक है, 1200 में से उसको अगर 480 नंबर लाता तो 40% हो जाता, ठीक है। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो उसको चेक भी कर सकते हैं, ठीक है, 1200 का 40% निकाल लिया, अगर इतना आ गया तो सही हो जाएगा, देखिए अगर देख लीजिए 40% निकाल लीजिए, 12 × 12 = 36 × 12 = 48 0, एक जीरो था यहाँ पे, जीरो इतना आ गया, मतलब सही है आपका आंसर, ठीक है। ये आपका चेक भी करना चाहते कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, कर लीजिएगा, 1200 इसका आंसर हो गया, ठीक है, 1200 इसका आंसर हो गया, ठीक है, समझिए क्वेश्चन। 40% अंक लाना अनिवार्य था लेकिन 40% लाना अंक अनिवार्य था लेकिन वो 400 नंबर लेके आया तो वो 80 नंबर से फेल हो गया, तो 80 नंबर से फेल हो गया 40% बनाने के लिए हमको जितना नंबर ला, जितना नंबर से फेल हुआ उसमें जोड़ना पड़ता है, उसको हम जोड़ के उसको 40% नंबर ला दिए और इसको सॉल्व कर दिए तो 1200 अंक आ गया। दोस्तों देखिए अब यहाँ पे एक दूसरा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन आपको बनाना है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। देखिए ये क्वेश्चन ग्रुप डी का 2018 में क्वेश्चन ये आया हुआ है, सेम क्वेश्चन यही आया हुआ है और डिटो एवं आंसर भी इसका यही था और नंबर भी सेम यही था, 2018 ग्रुप डी में क्वेश्चन आया हुआ है, किस शिफ्ट में आया हुआ ये आपको याद नहीं है लेकिन ये ग्रुप डी के एग्जाम में आया हुआ था। देखिए ये क्वेश्चन आपको बनाना है, चौथा नंबर क्वेश्चन, कि किसी परीक्षा में उत्तीर्ण के लिए 50% अंक लाना अनिवार्य है,
ठीक है 50% अंक लाना अनिवार्य है। एक एक विद्यार्थी को 43% अंक मिले तथा 42 अंकों से फेल हो गया तो परीक्षा का कुल अंक ज्ञात करें। ठीक है, इसमें आपको नंबर का अंतर दिया होता है, जो प्रतिशत का अंतर दिया होगा, प्रतिशत का अंतर निकालेंगे, प्रतिशत का अंतर निकालेंगे, अंतर का वैल्यू दिया हुआ है इधर, प्रतिशत का वैल्यू का, प्रतिशत का वैल्यू अंतर निकालेंगे और अंतर का वैल्यू दिया हुआ है आपको ऐसा, और आपको निकाल लीजिएगा 100% निकाल लीजिएगा, आपका आंसर 600 आ जाएगा, 600 आ जाएगा, बना लीजिएगा, और बन गया बना लेंगे तो ठीक है, नहीं तो आप हमको मैसेज कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम आपको बना के भेज देंगे, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप नंबर हम आपको दे चुके हैं, नहीं दिए हैं तो फिर से लिख लीजिए, देखिए 7209190098 इस नंबर पे आप हमको मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको व्हाट्सएप इसका पूरा डिटेल बना के आपको दे देंगे। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं पे था, आज का सेशन हम यहीं खत्म करते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको जरूर से लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ज्यादा अच्छा लग जाए तो अपने दोस्तों को भी बता सकते हैं, अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनको भी कुछ ज्ञान कुछ नॉलेज मिले। ठीक है दोस्तों, और इसी तरह का वीडियो आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।